हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पेयर्स रिकॉर्ड पे। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जेडे वर्सेस एलजेयू के बीच में जो ECS T10 सीरीज का जो अगला मैच होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पहला जो मैच है दोस्तों 12 बजे होगा, दूसरा जो मैच है आपको 2 बजे देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर इस टूर्नामेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीम अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी तक इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस जेडे की टीम ने खेला है, लेकिन एलजेयू की टीम ने दोस्तों 4 मैचेस खेला है। मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है इनके मैचेस के अंदर, कौन से प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर क्या रहा है दोस्तों, और किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो एक बार जो है दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों इस पर एक बार क्लिक कर दें, साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों, और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले दोस्तों। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद जो है ना फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। देखो अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहाँ आप कमेंट करते हैं ना दोस्तों, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो ग्राउंड जो है ना दोस्तों एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस हो रहे हैं। इस मैच के अंदर देखोगे तो एलजेयू की जीतने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी ग्राउंड का अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो बैटिंग पिच है दोस्तों 100 रन के आसपास, यहाँ पे एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा 10 ओवर की गेम में। अभी तक देखोगे इस टूर्नामेंट के 12 मैचेस हो चुके हैं इस ग्राउंड पे, जहाँ पे 8 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा है और सेकंड बैटिंग टीम जो है 4 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे, तो जेडए के जो टीम है 6 मैचेस अभी तक इन्होंने खेला हुआ है सीरीज के, जहाँ पे एक ही मैचेस जीता है और 5 मैचेस लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन एलजेयू का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 4 मैचेस खेला है जहाँ पे 3 मैचेस जीता है और मात्र एक मैच जो है लॉस करते हुए आए हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे एलजेयू की टीम बहुत मजबूत टीम है, ये चीज़ माइंड पे रखना है कि इनके जीतने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। चलिए बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे, हरी की बात करते हैं दोस्तों, टीम के आपको ओपन करते हुए दिखेंगे प्लस गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे 2 ओवर तक, और इस वजह से दोस्तों इस खिलाड़ी को ना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए काफ़ी लोग ले रहे हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 90 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। बाकी निगार अहमद ये भी ओपन करते हैं प्लस गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 126 रन इन्होंने भी बना चुका है। ये दोनों के दोनों ही प्लेयर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बाकी अभी अवस्थी की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 2 रन बनाए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी में इनको कोई विकेट नहीं मिला है। बाकी पेरो की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 13 रन बनाए थे दोस्तों, 2 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है, फिर 2 रन प्लस 1 विकेट, ओवरऑल देखेंगे तो 15 रन बना के 2 विकेट इस टूर्नामेंट के अंदर निकाला हुआ है। बाकी भारत ये फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 15 रन बनाए थे पहला मैच के अंदर, क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी किया था लेकिन कोई विकेट इनको नहीं मिला, फिर 2 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट, फिर ओपन करते हुए 23 रन स्कोर करा था, यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों, और लास्ट मैच के अंदर 18 रन बना के 1 विकेट निकाला है। देखो ये जो खिलाड़ी है लास्ट के दोनों मैचेस के अंदर अगर गौर करेंगे आप तो ओपन करने के लिए आ रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, इनको जरूर से जरूर ट्राई करना, मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा पिक रहेगा, और अगर आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी इनको ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों योगेश के बारे में, फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 27 रन बनाए हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं निकाल पाया है, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट। वहीं दोस्तों अगर आप देखोगे जनको के बारे में, सेकंड राउंड पे खेलने के लिए आ रहे हैं, पहले मैच के अंदर 31 रन स्कोर करा है, 2 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले थे, फिर 1 विकेट 2 ओवर की बॉलिंग में, फिर 1 विकेट, फिर 11 रन, फिर दोस्तों 2 रन प्लस 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 12 रन बना के 2 विकेट निकाल चुके हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो दोस्तों 50 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग रहा है पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर इनका। 2 ओवर तक कन्फर्म गेंदबाजी करते हैं प्लस
या फिर दो तीन नंबर पर लगभग मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए भी दिख जाएंगे आपको। बाकी मार्कों की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 2 रन, फिर 0, फिर 0, फिर 5 रन, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। अक्षय दक्षिणी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, 2 मैचेस खेला है, 4 नंबर पर खेलते हुए 6 रन 7 रन पर आउट रहा था। अभिषेक को भी ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे इवान का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे नेक्स्ट प्लेयर जो कि यहाँ पहले मैच के अंदर 2 ओवर की बॉलिंग में फ्लॉप, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 2 रन, और लास्ट मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। बाकी नसीम की बात करेंगे दोस्तों, तो पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर यहाँ पे सेकेंड राउंड पे खेलते हुए 7 रन बनाए थे, बॉलिंग से फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 1 रन बनाया है, कोई विकेट नहीं मिला है। तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों ZA का जो कि आप देख रहे हैं, और ध्यान रखना है कि आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं LJU का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, अब्दुल हसन टीम के ओपन करेंगे दोस्तों पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो 118 रन बना चुका है। पहले मैच के अंदर 18 रन बनाए थे, 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेट निकाल पाया था, फिर 40 रन, फिर 23 रन, फिर 37 रन, इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 118 रन बनाया हुआ है। बाकी रामजोत सिंह की बात करेंगे, ओपन करेंगे पहले मैच के अंदर 1 रन, फिर फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 18 रन बना के 1 विकेट निकाला, फिर यहाँ पे 20 रन बनाया हुआ है। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 39 रन प्लस 1 विकेट निकाला है। जय राणा फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 9 रन, दूसरे मैच के अंदर 14 रन स्कोर करा है। वकार खान सेकेंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 14 रन प्लस 1 विकेट, फिर 11 रन, फिर यहाँ पे 7 रन, कोई विकेट नहीं मिला, और लास्ट मैच के अंदर भी फ्लॉप रहे थे। ओवरऑल देखोगे तो 32 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। एजाज अली सेकेंड राउंड पे, थर्ड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 33 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था, लास्ट मैच के अंदर हाफ सेंचुरी लगाया हुआ था, देख सकते हैं दोस्तों 52 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट के अंदर ओवरऑल 92 रन बना के 2 विकेट है। मिर्वाइज तिनवारी पहले मैच के अंदर 8 रन 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट निकाले हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 12 रन बना के 5 विकेट निकाले दोस्तों, इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। बाकी घानी खान पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 8 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं। हरीश करीम पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट निकाले हैं, फिर पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 3 विकेट अभी तक निकाला हुआ है। बाकी हसन अहमद की बात करते हैं, तो पहले मैच के अंदर 14 रन, कोई विकेट नहीं मिला। राशिद अली पहले मैच के अंदर दोस्तों 15 रन बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे 13 रन स्कोर करा है, इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 28 रन बनाया हुआ है। बाकी तरुण शर्मा पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर यहाँ पे 2 रन, इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो ओनली 5 रन बनाया हुआ दोस्तों। बाकी यहाँ पे जोस्ट की बात किया जाए तो पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर भी 1 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट इनको नहीं मिला। तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों ZA और LJU का जो आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट क्या है ना कि आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का स्टैट्स को फॉलो करते हुए दोस्तों, प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि LJU के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो रमजोत सिंह जो कि विकेट कीपर में नजर आएंगे, टीम के ओपन करते हैं, और फिर पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 39 रन बना के दोस्तों 1 विकेट निकाला हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो इनको हम लोग अपने टीम के अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है। आप इनको अपनी टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राई करना दोस्तों, चाहे स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करते हैं चाहे ग्रैंड लीग की। देखो काफ़ी लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर राशिद अली को भी ट्राई किया हुआ है। एक चीज़ माइंड पे रखना दोस्तों कि अगर आप इनको ट्राई करते हैं ना, तो ये पहले मैच के अंदर 3 नंबर पे खेलते 15 रन स्कोर करा था, और सेकंड मैच में अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर में बैटिंग करने के लिए आया था और 13 रन स्कोर करा है। मैं इनको फिलहाल अवॉइड करूँगा इस वजह से क्योंकि आर्शिंग का रिकॉर्ड बेटर है। बाकी यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में कुछ खास ऑप्शन है नहीं। बैटिंग में देखोगे तो मैंने 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से LJU के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मैंने ओनली 1 प्लेयर को लिया हुआ है, जे राणा को मैंने ट्राई किया जो फर्स्ट राउंड पे खेलने के लिए आते हैं। पहले मैच के अंदर 9 रन, दूसरे मैच के अंदर 14 रन स्कोर कर रहा है दोस्तों। बाकी ए अवस्थी का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो ए अवस्थी भी अच्छा प्लेयर है दोस्तों। अभी अवस्थी जो कि फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 2 रन बनाए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी करा था, कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम के टॉप ऑर्डर पर खेलने के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। देखो काफी लोग क्या कर रहे हैं, MNs को भी ट्राई कर रहे हैं। देखो इनका भी स्टैट्स मैंने आपको दिखाया है, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में देखोगे तो 7 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, पहले मैच के अंदर 0 रन, दूसरे मैच के अंदर 5 रन। आप समझ सकते हैं इतना लेट बैटिंग करते हैं फिर भी काफी लोग इनको ट्राई कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप इनको ड्रॉप करना। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों नेक्स्ट जो प्लेयर रहने वाला है, जिस प्रकार इन्होंने खेला हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भरत, क्योंकि फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 15 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी किया था, कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, फिर 0 रन प्लस 1 विकेट, फिर ओपन करते हुए लास्ट दोनों मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया खेला था, 23 रन 1 विकेट, 18 रन प्लस 1 विकेट। तो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए देखोगे तो ये प्लेयर बहुत बेस्ट रहेगा।
ऑलराउंडर में देखेंगे दोस्तों तो मैंने चार ऑलराउंडर को लिया हुआ है एलजेयू की टीम की तरफ से। मैंने यहाँ पे तीन प्लेयर को लिया हुआ है जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार प्लेयर है और इस वजह से मैं कहूँगा कि आपको भी ट्राई करना है अपने टीम के अंदर। जैसे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मिरवाइज शिनवारी के बारे में। ये मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है लेकिन अपने स्पेल का दो ओवर तक का गेंदबाजी ये कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक देखोगे तो 5 विकेट निकाला हुआ इन्होंने। ए हसन का भी रिकॉर्ड बहुत ही सुपर है दोस्तों, इस वजह से मैं कहूँगा कि ए हसन को भी ट्राई करना अपने टीम के अंदर, जो आपको बॉलिंग टीम के टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे अब्दुल हसन जो कि दोस्तों अभी तक देखोगे तो 118 रन बनाया है, बॉलिंग किए है दो मैचेस के अंदर लेकिन विकेट नहीं मिला, अलग बात है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। बाकी आई अली ये अभी तक 95 रन बना के 2 विकेट निकाले थे, ये भी आपके लिए बेस्ट है। बाकी एन अहमद का रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया दोस्तों, एन अहमद जो है जेड ए की टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि ओपन भी करते हैं दोस्तों और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ये भी आपके लिए शानदार पिक रहने वाला है। ठीक है, तो मैं चारों को फिलहाल ट्राई करता हूँ। बॉलिंग में देखोगे तो मैंने 3 बॉलर को ले रखा है। एन खान ये अपने स्पेल के 2 ओवर तक कंप्लीट गेंदबाजी करता है जेड ए की टीम की तरफ से। एन खान का रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिखाया, लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं मिला था लेकिन इसके पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे जन को, ये भी दोस्तों अपने स्पेल के 2 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करते हैं जन को, यहाँ पे भी जन को, और टीम के सेकेंड राउंड पर खेलने के लिए भी आते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 50 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं। लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 12 रन बनाए थे दोस्तों, यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे 2 ओवर की गेंदबाजी में, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है ही। बाकी जी खान को मैं ट्राई करूंगा, ये भी दोस्तों अपने स्पेल के 2 ओवर गेंदबाजी करते हैं। बाकी टीम प्रीव्यू दोस्तों मेरा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए एम सिनवारी को मैं ट्राई कर रहा हूँ और वाइस कैप्टनसी के लिए एन अहमद के साथ मैं फिलहाल जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर 1-2 प्लेयर आपको चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। आई अली का भी रिकॉर्ड बेटर है दोस्तों, बाकी भी जनको को भी अगर आप चाहें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास भरत का भी ऑप्शन है, जो कि लास्ट 2 मैचेस के अंदर ओपन करने के साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी करते हैं, तो जो थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक के तौर पर लेना चाहते हैं तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बाकी अभी इसको सेव कर लो। अगर मेरे टीम से अगर आप यहाँ पे प्ले करते हो तो लाइनअप का वेट करना, अगर इसमें 1-2 प्लेयर चेंज होता है तो फाइनल टीम में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग सेम टीम के साथ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।